Hi, this is Manisha Singh. Welcome back to my YouTube channel. Friends, I hope you all are doing well and good and आपकी preparation भी बहुत अच्छे से चल रही होगी. लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही जबरदस्त जॉब की अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है इंडियन नेवी की तरफ से ट्रेड्समैन मेट की रिक्रूटमेंट 2023 के रिगार्डिंग. तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रिक्वायर्ड है, एज लिमिट किस ट्रेड से है, सारा कुछ बताने वाली हूँ आपको. तो अगर आप भी इस जॉब रिक्रूटमेंट को लेकर अगर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना. तो चलो फ्रेंड्स, टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं. जैसा कि आपको पहले बताया कि इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट ग्रुप सी की आई है रिक्रूटमेंट, अंडमान एंड निकोबार के लिए ये वैकेंसी आपकी रहने वाली है. तो आइए देख लेते हैं टोटल पोस्ट क्या रहने वाला है. टोटल आपका 352 सीट्स के लिए ये वैकेंसी आ चुकी है हम सभी के बीच. तो चलो फ्रेंड्स, पहले हम लोग देखते हैं कि कैटेगरी वाइज कितना कितना वैकेंसी रखा गया है. तो पहले बता दूं आपको कि ट्रेड्समैन मेट के लिए जनरल का 139 है, ओबीसी का 91 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 33 है, एससी का 50 है एंड एसटी कैंडिडेट्स के लिए 25 सीट्स रखा गया है. ट्रेड्समैन मेट इन एडी आपका डॉलीगंज के लिए जनरल का 12 सीट्स है, ओबीसी का 6 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट रखा गया है, एससी वालों के लिए 3 सीट है और एसटी कैंडिडेट्स के लिए आपका 1 सीट रखा गया है. ओवरऑल 352 सीट्स को इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है. आइए अब बता देती हूँ कि इम्पोर्टेंट डेट्स क्या होने वाला है. आपका ये फॉर्म स्टार्ट होगा फ्रेंड्स 26 अगस्त 2023 से एंड लास्ट डेट टू अप्लाई होने वाला है 25 सितंबर. तो आपको 25 सितंबर का वेट नहीं करना है, जितना जल्दी हो फॉर्म स्टार्ट होते ही 26 के बाद आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दो. अदरवाइज सर्वर इशू की वजह से बाद में ना आपको बहुत सारी दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है. सो चलो फ्रेंड्स बता देती हूँ एज लिमिट क्या रखा गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब आप ये जान लो कि योर एज विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 25 सितंबर 2023. मिनिमम एज 18 इयर्स एंड मैक्सिमम एज आपका 25 इयर्स रहने वाला है. एज में रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है, ओबीसी को 3 इयर्स का एंड एससी एसटी को 5 इयर्स का ये रिलैक्सेशन मिल जाता है. फॉर्म की फी की अगर बात करें तो कोई भी चार्जेज यहाँ पे आपसे नहीं लिया जा रहा है, मतलब कि 0 रुपीज, बस फॉर्म अप्लाई करना है, कोई चार्ज नहीं लगेगा. तो चलो फ्रेंड्स मैं क्वालिफिकेशन आपको बता देती हूँ. आपका इसमें क्वालिफिकेशन मिनिमम 10th पास आउट होना चाहिए, साथ ही साथ ट्रेडमैन की रिक्रूटमेंट है तो आईटीआई से रिलेटेड ट्रेड में आप आईटीआई पास आउट होने चाहिए आप. तो अब हम लोग देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है. पहले तो फ्रेंड्स आपका जो एप्लीकेशन है उसका स्क्रीनिंग होगा 1:25 के, इसमें आपका एप्लीकेशन वेरीफाई किया जाएगा. स्क्रीनिंग के बाद आपको 25 गुना स्टूडेंट्स का यहाँ पे आपको जो है एडमिट कार्ड आने वाला है. उसके बाद होता है आपका रिटेन पेपर, देन होता है मेडिकल, फिर डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड कर दी जाती है. तो आइए पहले हम लोग देख लेते हैं एग्जाम की पैटर्न क्या रहने वाली है. फ्रेंड्स आपका 100 क्वेश्चन का पेपर होगा 100 मार्क्स के लिए. पेपर की लैंग्वेज अगर बात करूँ तो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर रहने वाला है. इसमें आपको क्वेश्चन फ्रॉम रिलेटेड ट्रेड आपका रहेगा 50, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए, मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए, ओवरऑल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए. ऐसे तो फ्रेंड्स अभी जो है एग्जाम पैटर्न को ना क्लैरिफाई नहीं किया गया, तो जैसे ही कुछ इस पे नोटिस आता है मैं अपडेटेड आपको जो फ्रेश रहेगा एग्जाम पैटर्न वो वीडियो के मीडियम से यहाँ पे बता दूंगी. तो जैसा कि अभी आप सभी को बता दिया फ्रेंड्स कि आपका एग्जाम होगा, देन होता है आपका मेडिकल और डीवी, फिर आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर मिल जाती है. तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये भर्ती अग्निवीर के तहत होने वाली है. जी नहीं फ्रेंड्स, आपका परमानेंट भर्ती यहाँ पे होने वाला है. अगर हम लोग एग्जाम सेंटर की बात करें तो आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा पोर्ट ब्लेयर में, वहां जाके आपको पेपर देना होगा. सैलरी देख लेते हैं आपका 18,000 to 56,900 की यहाँ पे सैलरी रहने वाली है. मतलब कि ये 18,000 स्टार्टिंग में जो है ये सिर्फ कहने के लिए होता है, आप जब ज्वाइन करते हो ना तो इनिशियल इन हैंड सैलरी 20,000 to 30,000 के बीच में आपको मिलता है.
तो बहुत अच्छी पोस्ट है। और हाँ, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपने बताया कि रिलेटेड ट्रेड, तो किस किस ट्रेड के लिए वैकेंसी आई है। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, तो इसके लिए मैं इसका नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगी। आप वहां जाके ट्रेड वगैरह सब कुछ देख लेना, अच्छे से नोटिफिकेशन को थ्रो आउट रीड कर लेना। अदरवाइज जहां तक मेरा ये मानना है कि आपको इस जो रिक्रूटमेंट है इसके रिगार्डिंग सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, और अगर समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत है फ्रेंड्स तो कमेंट सेक्शन में आके पूछो। अदरवाइज और भी ज्यादा कनेक्ट होना चाहते हो मुझसे तो मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, जल्दी से जाके वहां पे भी आप फॉलो कर लो। और फ्रेंड्स, अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरी सारी न्यू अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप सभी तक आए। तो मिलूंगी आपसे फिर से किसी न्यू जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।